नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीबीसी ब्रेकिंग में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सई देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा मूवी को कल के दिन सिनेमा घरों में रिलीज किया गया। उस मूवी को कितना अच्छा खासा रिस्पांस मिला ऑडियंस की तरफ से, और वहीं बात करेंगे गदर 2 मूवी के रिलीज डेट और साथ ही साथ उसके टीजर के बारे में। और वहीं दोस्तों आप लोगों को बताएंगे कि इसके ट्रेलर को जोरदार और शानदार तरीके से ऑडियंस प्यार दिखा रही है कि नहीं। हालांकि आप लोगों को पता नहीं होगा कि सई देओल स्टारर फिल्म ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया और ट्रेलर बहुत ही जोरदार और बहुत ही शानदार रहा है। तो दोस्तों, इसके बारे में आगे बात करेंगे, तो वीडियो पे बने रहें ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। तो दोस्तों, गदर एक प्रेम कथा इतने लंबे समय के बाद रिलीज करी गई, वाकई में पुरानी यादें फिर से ताजा कर दी गई और मेकर्स का डिसीजन बहुत ही सही है, क्योंकि मेकर्स ने जिस तरीके से दिमाग लगाया, उन्होंने पहले गदर एक प्रेम कथा को रिलीज किया ताकि ऑडियंस के बीचों में क्रेज बना रहे गदर 2 मूवी का और लोग देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहे गदर 2 मूवी को। हालांकि गदर एक प्रेम कथा जो कि 90 के दशक की एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी, इस मूवी ने जो कि बहुत ही जोरदार तरीके से कलेक्शन भी किया था बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का, जो कि वर्ल्ड वाइड और वहीं दोस्तों जो कि इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 133 करोड़ रुपए था, यानी कि उस समय की फिल्म जो कि 90 के दशक की फिल्म 133 करोड़ रुपया कमाया था और जोरदार तरीके से एक बहुत ही बड़ी डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। तो फाइनली दोस्तों, अब जो कि गदर 2 मूवी को रिलीज किया जाएगा, जो कि गदर 2 मूवी का क्रेज भी बन चुका है और वहीं दोस्तों गदर 2 मूवी जो कि अपने पहले दिन खासा कलेक्शन भी करेगी। आप लोगों को बताइए चलेगी गदर एक प्रेम कथा जिसको अच्छा खासा रिस्पांस मिला, और वही दोस्तों कल के दिन जो कि पिक्चर रिलीज करी गई थी उसके साथ में आप लोगों को ट्रेलर भी देखने को मिल गया है, अगर जो कि पिक्चर देखने गया होगा गदर एक प्रेम कथा। तो दोस्तों, वही बात कर लेते हैं गदर 2 मूवी के बारे में। तो आप लोगों को बताइए चले कि सई देओल स्टारर फिल्म गदर 2 मूवी जो कि एक्शन से भरपूर है, इस मूवी को 11 अगस्त के दिन सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा। और वही दोस्तों, अनिल शर्मा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और अनिल शर्मा के डायरेक्शन बनाई गई हर फिल्म में बहुत ही अच्छी रहती है और बहुत ही शानदार रहती है। वहीं दोस्तों, इस फिल्म को जो कि 50 करोड़ रुपए के बजट से बनाया गया है लगभग, और वहीं दोस्तों यह फिल्म जो कि एक बहुत ही जोरदार और बहुत ही ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली है, क्योंकि गदर 2 मूवी का क्रेज बस कितना इतना ज्यादा बना हुआ है और इस फिल्म को देखने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड है ऑडियंस कि आप लोग बता नहीं सकते, क्योंकि गदर मूवी को बहुत ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है और पब्लिक रिव्यू भी मिल रहा है और सई देओल की फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि चुप मूवी से उन्होंने बॉलीवुड में बहुत ही शानदार तरीके से डेब्यू कर लिया है। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो यह मूवी अपने पहले दिन कम से कम 60-70 करोड़ रुपए का कारोबार कर लेगी और सारे हेटर्स की बोलती बंद करेगी। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है सई देओल स्टारर फिल्म गदर 2 मूवी अपने पहले दिन कितना अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखाएगी? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने गदर एक प्रेम कथा मूवी थिएटर में जाके देखी है तो आप लोगों को गदर 2 मूवी का ट्रेलर कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी जरूर बताएं। और हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे अगर आप लोग नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें।